लड्डू और पापा दोनों आज मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। लड्डू की प्यारी जगह मिली है, यहाँ पे क्या खिलाने वाले पलक? ओ देखो देखो एप्पल लगे हैं। मन्नत देखो लड्डू देखो मन्नत मन्नत पहुंच चुके हैं हम लोग प्यारे से वाटरफॉल के बाद। हम कहते हैं कश्मीर के लोग हेल्पफुल नहीं है हमारा, तो हर बार डैडी गिरते पड़ते उतर रहे हैं। इतनी सी जगह और ऐसी मिट्टी वाली जगह कोई कहेगा? इतनी साफ सुथरी रखी है इन्होंने। देखो वही तो कह रहा है, ये देख लीजिए साउथ बने हैं जो यहाँ के बुढ़े आदमी मर गए। बुढ़े आदमी के कुछ बुढ़े नहीं चल सकते। सबसे ज्यादा पावर तो देख लो बच्चे दिखाते हैं, दादू उनके वो देख लो सबसे नीचे चले गए हैं। मन्नत दो हम लोग जा रहे हैं दूध गंगा की तरफ, तो देखते हैं कैसे शेफ्स कितने प्यारे प्यारे एप्पल्स यहाँ दिखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सारे एप्पल्स तोड़ के ले आऊं। हेलो जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जे एंड के। तो दोस्तों जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम यूसमर्ग में आए कश्मीर की एक और प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें हमने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया एक रात को मड हाउस में रहकर। सुबह हमने बनाया ब्रेकफास्ट, कावा और मक्की की रोटियां बना रहे हैं। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। चैनल पे नहीं आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट एक प्यारा सा हार्ट ही जरूर देकर जाइएगा। फुल वीडियो जरूर देखिए और चैनल को शेयर भी जरूर करें। पर नेचुरल शहद भी अंकल निकालते हैं। ये ऊपर ये लिपाई की है। हाँ हाँ, इसके ये ढक्कन उठा के। अच्छा हाँ, फिर इसके निकालते हैं। अच्छा इसके बीच में हाँ, अभी निकालते हैं, मैं निकाल के देख उठा के देखता हूँ। ये खाएंगे कितने टाइम टाइम में निकालते हो यहाँ पे? यहाँ तो ये रहती है 6 महीने, यहाँ हम 6 महीने के बाद निकालते हैं। 6 महीने में एक बार निकालते, एक बार निकालते फिर इनको शहर। कितना केजी निकलता है इसमें? निकलता है 10 से 15 केजी। अच्छा 10 से 15 केजी निकल जाते हैं। हाँ ये देसी मतलब ये जंगली शहद है। जंगली शहद है ये, तो इनको पता है हमारा घर एक छोटा सा होल बना हुआ है, इसके अंदर ही आ रही हैं और जा रही हैं। फूल का पता है ये किसके चीज के बना हुआ है? फूल के हुआ, ये एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर ही जा रही है अपना पूरा, इन्होंने शहद का बना लिया है। देख लो जी अब आगे निकले हैं हम, तो जा रहे हैं दूध गंगा की तरफ। सुना है, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ का मौसम कुछ इस तरह है, मतलब धूप है यहाँ पर लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी है। स्पेशली ऐसी जगह देख कर ना दिल खुश हो रहा है। तो जी अब हम जा रहे हैं नीचे ट्रैक करके, थोड़ा सा गाड़ी ऊपर तक ही रोकनी पड़ती है। हम लोग जा रहे हैं दूध गंगा की तरफ, तो देखते हैं कैसी जगह है, न्यू जगह एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा ट्रैक करके जाना है, बच्चे मम्मा डैडी सब आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। स्पेशली एटमोसफेयर यहाँ का बहुत अच्छा है, तो मतलब मुझे लगता है जब ज़्यादा गर्मी ना होता तो नॉर्मली हम ट्रैक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर 10-15 मिनट चलना होते हैं। मम्मा निकल पड़े हैं, वो देखो बच्चे आगे। इस तरह से सीढ़ियाँ उतर उतर कर वो बहुत नीचे तक जाना है यार। सबसे ज़्यादा पावर तो देख लो बच्चे दिखाते हैं, दादू उनके वो देख लो सबसे नीचे चले गए हैं। मन्नत दौड़ती जा रही है, लड्डू दादू का हाथ पकड़ कर गिरता पड़ता, दादू लेकर पकड़ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। इस तरह से सीढ़ियाँ उतरते उतरते जा रहे हैं, देख लो मैं हूँ, मम्मा है, पीछे है मिस्टर रतन। तो चलिए चलते चलते जाते हैं इस सुहाने मौसम में। आप पूरा नीचे से होकर आए? नीचे से होकर, वापसी में प्रॉब्लम हो रही है। वापसी में थोड़ा चढ़ाई है ना। एक्चुअली यहाँ पर जो मेंबर्स आ रहे थे ना नीचे से अंकल लोग, तो वो बोल रहे हैं कि नीचे आज पानी बहुत ज्यादा सूखा हुआ है इस टाइम पर, तो आप नीचे चल कर देखो यार, हमें यहाँ से चलकर पूरा वो नीचे वहाँ तक जाना है। और वहाँ पर बस एक ना रिवर है, मतलब एक नदी टाइप है, तो उसको नाम रखा है दूध गंगा, तो वहाँ तक जाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं ऊपर और कोई और अच्छी सी लोकेशन देखकर वहाँ पर रुककर कुछ खाते पीते और थोड़े इन्जॉय करते हैं, मतलब ब्यूटी और दिखाते। ये कुछ इस तरह का जंगल है यहाँ पर देखो, मतलब अगर आपको आना है ना साइट सीन के लिए, सुबह आ जाओ यहाँ पर कुछ लेकर बनाकर वहाँ पर नीचे नदी के पास जाकर बैठ कर खा सकते हो। बट हमारे साथ मम्मा डैडी हैं तो फिर ऊपर चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा नीचे आ चुके थे, अभी से 3 से 4 गुना ज़्यादा हमें नीचे जाना था, तो इतनी ज्यादा खास नहीं है। मुझे रास्ते में आते हुए बहुत अच्छी जगह ही दिखाई दी थी। सुनो आइसक्रीम एप्पल
हाँ मन्नत को पावर आ गई। तो जी रास्ते में मैंने और भी अच्छी जगह देखी, तो हम सोचते हैं कि वहाँ पर चले जाते हैं। इतना ज़्यादा चलने से अच्छा ट्रैक करने से मम्मा डैडी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे भी हैं, मेरी तो भी सांस चढ़ गई है देख लीजिए आप। तो हम चलते हैं वहाँ पर आगे। थके थके डैडी? मम्मी कैसा मजा आ रहा है चलने में? जी थोड़ा सा चल कर आया हम लोग, इसी में थक चुके हैं, तो सोच रही हूं एकदम नीचे जाते तो ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बूढ़े आदमी मर गए। बूढ़े आदमी के कोई बूढ़े नहीं चल सकते, मतलब आपके पास अगर 3-4 घंटे है ना तो आप यहाँ पर आइएगा, मतलब नीचे जाके। बट मुझे लगता है एक्चुअली ये देखो ये पानी है ही नहीं यहाँ पर, पानी है ही नहीं इस बार, ये अब जब बर्फ पूरी पिघल चुकी है ना तो पानी खत्म हो चुका है बर्फ का। हाँ नेक्स्ट ईयर पानी हो सकता है, जून जुलाई में है ना। तो जी वापस जा रहे हैं लोग यहाँ पर, देखो जो ट्रैक करके नहीं आते हैं ना हॉर्स के साथ भी आ सकते हैं, हॉर्स राइड करके भी मतलब जा सकते हैं नीचे। हाँ यूजुअली लोकल्स ना यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, घर से खाना वगैरह बनाकर ले आते हैं और यहाँ पर आकर खाकर एंजॉय करते हैं। मतलब बहुत अच्छी जगह है, मौसम बाहर बहुत अच्छा है, मतलब धूप है लेकिन हवा भी ठंडी ठंडी है। देख लीजिए कितने मैदान है यार, यहाँ पर आप कहीं भी आकर बैठ सकते हैं, अगर आपके पास टेंट्स वगैरह है ना मुझे लगता है वो भी यहाँ पर आकर आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकेशन है अभी। और जैसे गुलमर्ग वगैरह में सारा कुछ कवर कर लिया गया है ना, अभी यहाँ तक ना कुछ कवर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। जिसने यहाँ पे अपना अपना माइंड फ्रेश करने आना ना, हाँ। तो आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, कोई शोर शराबा नहीं है, शांति शांति है एकदम। हाँ तो जी देख लीजिए अगर आपको मड हाउसेस में नहीं रहना है ना तो उसके अलावा भी देख लीजिए गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं यहाँ पे, मुझे लगता है गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस बने होंगे ना यहाँ पर, तो ये रेंट पे भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप सामने जब एंटर करते हैं ना यूसमर्ग में वहाँ पर पता करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ये देख लीजिए गेस्ट हाउस बने हैं जो यहाँ के निकल कर जा रहे हैं हॉर्सेज यहाँ से। अच्छा ऊपर ऊपर कौन सी जगह है? हाँ बरगा। अच्छा कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। अच्छा कितने पैसे लेते हो? हाँ 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 700। अच्छा कितने घंटे का ट्रैक है? 1 घंटे का ट्रैक है, 1-2 घंटे। ऊपर देखने वाली क्या चीज है? दरगाह। अच्छा दरगाह, गड़ो उठा के देखो गोलाई माता, चलो दूध वाली माता जी। जिंदगी यहाँ की मतलब बहुत अच्छी है ना, मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं यार, इनको इतना पैसे से कोई मतलब नहीं है, कोई यार आराम से देखो मिट्टी के घर में रह रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग तो पैसों में फंस चुके हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था, यही है। तो जी कार लगा दी है यहाँ पर, हमने एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा है तो वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर चल चल कर जा। हम आराम से, ज्यादा सीधा है रास्ता, नहीं रुड़ते। वो देखो आंटी अपने घर की सब्जियां तोड़ रहे हैं, देख लो किस तरह से। डैडी गिरते पड़ते उतर रहे हैं यहाँ से। ओहो इतने सही वाटरफॉल है ना दो, यहाँ पर कुकर ले लिया, दलिया बनाया था, ये पानी क्रॉस करके जाना है वहाँ पर, तो शूज उतार लिए हैं, आ गए हैं पैर नंगे। खराब से आओ
आगे पहुंच चुके हैं हम लोग प्यारे से वाटरफॉल के पास। यहाँ पर वो आंटी नहीं थी नाशपाती जिनसे अभी पूछ रहे थे मार्क्स सक तोड़ रहे थे उन्होंने आंटी ये देख लो मम्मी डैडी को ये दी नाशपाती। लड्डू क्या हुआ? लड्डू बैठ जाए यहाँ पे बहुत प्यारा बाहर है मम्मा देखना। बहुत ही अच्छी प्लेस हमें मिल गई है यहाँ पे। यहाँ पे सब बैठ गए हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं। कितना प्यारा झरना आ रहा है ऊपर से, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, मजे ही आ गए देख के। प्यारी जगह मिली है। यहाँ पे क्या खिलाने वाले पलक? ओ पलक दलिया दलिया बना के लाई है वो खिलाने वाली है। पलक जी इतने प्यारे झरने के नीचे क्या खिलाने वाले हो भाई? दलिया क्या दलिया खिलाओगे आज? दलिया खाओ झरने के नीचे, हेल्दी चीज। क्या बात, बना दिखाओ। वाओ क्या बात है, मजे। और लड्डू देखो, लड्डू लड्डू गिर गया, इधर आ जा, इधर आ जा। लड्डू फुल जोश में आ गया है, फुल जोश में है बेटा, गिर जाएगा, आ जा। कितने प्यारे झरने के नीचे मजे ही आ गए बैठ के। कैसा लग रहा पलक? बहुत अच्छा लग रहा है, मेन से जब करेंगे दूसरी जगह पे। मम्मी मम्मी मजा आ रहा है? लड्डू गिर गया घूम यहाँ पे अपना मन्नत और लड्डू दलिया के एंजॉय करते हुए झरने के नीचे के मजे कर रहे हैं भाई। मजा आ रहा है मन्नत? मन्नत मजा आ रहा है? मन्नत देखो लड्डू देखो, मन्नत मन्नत डांस कर रही है। बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशंस मिल लेंगे आपको। लड्डू और पापा दोनों आज मैचिंग हो रहे हैं। लड्डू का पटका और पापा की पगड़ी मैचिंग हो रही है आज। और दादी के साथ दोनों बेटा और पोता दोनों मैच कर रहे हैं। हेलो, आप लोगों ने आज दादी के साथ मैचिंग की है? दादी ने मैचिंग की है। सर मुझे बोल रहे थे बर्तन यहीं से धोके सजा मिलेगा यार, साबुन और वो कुचा नहीं है धोने के लिए, कैसे धोएंगे? बट देखो इस तरह किस तरह से दिमाग लगा के देख लो, तो देख लो वहीं से गीली रेत ले रहे हैं, उससे अच्छे से साफ करके बर्तन धो रहे हैं। पूरा दिमाग लगा दो मिस्टर रतन। डैडी चले गए वहां पर। ये लड्डू देख इधर, ओ दादी का चश्मा आ लिया, दादी का चश्मा लिया। डैडी चले गए वो उस घर में वहां पर, पता नहीं आंटी से बात करने के लिए, क्या लेने के लिए क्या नहीं पता नहीं। लड्डू डांस करके दिखा दे, लड्डू डांस करके दिखा दे। कलक कलक यार, साबुन से भी इतना ज्यादा साफ नहीं होना था मुझे लगता है जितना ऐसे साफ हो गया। क्या बात है, चमका दिया कुकर आपने पूरा अंदर से। आप कौन सी पहाड़ी चढ़ रहे हो मोगली बने हुए? आ जाओ आ जाओ, आराम से गिर जाओगे, लग जाएगी और देखेंगे। मम्मी जाने लगे हैं वापिस। मन्नत देख लो वो खड़ी है, दादू के साथ चली गई थी वहाँ पर। ये नज़ारे तो डैडी ले रहे हैं, देख लो जी ये जो घर बना हुआ था यहाँ पर, ये भी मड हाउस है। तो यहाँ पर कितने प्यार से बैठे हुए हैं उनके साथ। चलो चलते हैं, देखते हैं इनके साथ क्या बातें चल रही है। ये देख लो, ये देखो ये यहाँ पर रहते हैं। ये आग साग देखो साफ कर रहे हैं। ये तो कैसे रहते हैं यहाँ पे, मड हाउस।
ये देखो जी इनकी किचन है, वो इनका रूम, साथ में ही रूम होता है इनका, देखो साथ में किचन होती है। मगर कितनी सफाई रखी है यार, सोचने वाली बात है। मिट्टी के घर में भी कितना प्यार से, कितनी शांति से, कितनी सफाई कितनी रखी है, सोचने वाली बात है। वाह यार, साथ में किचन है, साथ में है, देखो इतनी सी जगह और ऐसी मिट्टी वाली जगह, कोई कहेगा इतनी साफ सुथरी रखी है इन्होंने। देखो वही तो कह रहा हूं यार। पलक जी आ जाओ, घेर लगाओ पहले ही। लड्डू स्लिप हो गया, साथ में छोटा डब्बा स्लिप हो रहा है। मन्नत क्या करे बेटे, ये हाथ में क्यों उठाया आपने? आ जाओ आ जाओ। ओहो पलक की तो बस होगी, भाई चलने में तो मजा है। क्या मजा आ गया, बच्चे भी चल फिर आ गए, मजा आ गया ना। ये देखो अभी भी एप्पल ट्रीज है जी। देखो जी ये है यहाँ पर सेब के बाग, पता नहीं इन्होंने अभी तक सेब तोड़े क्यों नहीं है यहाँ पर। अभी मैं आपको लाइव दिखाती हूँ यहाँ पे एप्पल्स। तो जो एप्पल गार्डन के अंकल थे ना, मतलब इन सब ने मांगे एप्पल्स की, अंकल हमें खरीदने, आप कैसे देंगे एप्पल? तो उन्होंने कहा अभी बेचने नहीं है हमने, अगर आपको खाने के लिए लेने तो आप थोड़े ले लीजिए। तो इस तरह से अंकल ने हमें एप्पल्स दी फ्रेशली तोड़ के। तो दोस्तों इस रास्ते में जाने का मजा मतलब क्या रहा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरी एप्पल की ट्रीज के बीचों बीच होते हुए जा रहा है, मतलब मैंने पहली बार इतने ज्यादा एप्पल से एप्पल देखे। और आप मानो कि सितंबर एंड है और एप्पल अभी तक लगे हुए हैं यहाँ पर। देखो मतलब ये तो कुछ नहीं है, अभी जो जो एप्पल से देखे ना नजर आएंगे, नहीं धूप पड़ रही ना वहाँ से नजर नहीं आएगी। एप्पल एप्पल देखो, और एप्पल की एक तरीके की नहीं, 100 से भी ज्यादा तरीके की क्वालिटी है यहाँ पे। मतलब अलग अलग टाइप के छोटे छोटे एप्पल, बड़े इससे भी बड़े, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के इतने प्यारे प्यारे एप्पल्स यहाँ दिखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सारे एप्पल्स तोड़ के ले आऊंगी यहाँ पर। और जो खुद के हाथ से तोड़ने का एप्पल का मजा आ रहा है ना, वो एकदम ही अलग है। और हमारे कश्मीरी डैडी बैठे हैं, ये बस डराए जा रहे हैं हम लोगों को, एप्पल ही नहीं तोड़ने दे रहे। पूरी एप्पल की देखो फैक्ट्री है दोस्तों यहाँ पर, ट्रक की ट्रक भर कर जा रहे हैं यहाँ से पूरे। देखो अभी भी एप्पल्स लगे हुए, मतलब कितने ट्रक मैंने देख लिए एप्पल्स के निकले यहाँ से। ये देखो पूरे ही एप्पल्स का भर कर जा रहा है यहाँ से। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आते हैं जो यूसमर्ग के साइड से निकले, वहां पर एप्पल अभी तक कट नहीं किए, मतलब एप्पल ट्रीज से अभी निकाले नहीं है। और ऐसे ही हम ये फुलवामा वाले एरिया में आ जाते हैं, यहाँ पर इस टाइम पे मतलब एप्पल्स है नहीं ट्रीज के साथ। मतलब हर एक लोकेशन के हिसाब से मुझे लगता है एप्पल्स का भी टाइम होता है ना, कुछ अगस्त में, सेप्टेम्बर में, अक्टूबर तक ऐसे ऐसे टाइमिंग होती है एप्पल्स की। वो ज्यादा ठंडा एरिया है मुझे लगता है, तभी वहाँ पे अक्टूबर तक चलते हैं। यार कौन कहते हैं कश्मीर के लोग हेल्पफुल नहीं है, हमारा तो हर बार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है ना कि मतलब हमें हमेशा अच्छे लोग मिले। यार खुद अच्छे हो ना, दूसरा बंदा भी अच्छा होता है। कई बार हो सकता है कि मतलब किसी वजह से या किसी चीज की वजह से हो सकता है, लेकिन लोगों की बात की जाए हमें तो आज तक जो भी लोग मिले इतने हेल्पफुल। अभी हम पुलवामा पहुंचे, हम कंफ्यूज हो गए थे रोड के लिए, गूगल मैप देख रहे थे, बट राइट लेफ्ट ऐसा चीज हो गई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक भैया बाइक वाले रुके और उन्होंने हमें पूछा कि कहाँ जाना है आपको, हमने कहा जम्मू जाना है, और कम से कम भी 7-8 किलोमीटर से वो हमारे साथ में ही है, मतलब साथ में चल रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि यहाँ गाड़ी हमारे साथ में। तो उन्होंने मुझे हमें कहा कि आप हमारे पीछे पीछे चलते जो, हम आपको हाईवे तक ले जाते हैं। मतलब इतने हेल्पफुल लोग भी होते हैं। और जैसे हमारी गाड़ी स्लो हो रही है या उन्हें दिख नहीं रही है ना, तो अपनी बाइक रोक कर वो पीछे देख रहे हैं कि हाँ गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या कहोगे मिस्टर रतन? सही बात है, कौन कहते हैं कि यार ऐसी कश्मीरी सब बदनाम करते हैं कि यार ये बहुत खड़ा कर दिया। मैं कहता इतने अच्छे लोग हैं कि कहने की बात ही नहीं है। नीली टोपी वो देखो सामने, अभी रुके हैं, दिखा दियो हेलमेट वाले, ब्लू हेलमेट वाली जो गाड़ी बाइक जा रही है, रुके रुके देखो रुके, तो वो रुक कर देख रहे थे कि हाँ हम किस साइड मुड़े नहीं मुड़े। उन्होंने कहा मुझे फॉलो करो खाली, और 7 किलोमीटर आपको चलना, 7 किलोमीटर हवे टच करोगे तो हवे से राइट। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके